टिपिकलीप्ट की, तो तो नहीं नहीं। uh, की बुक्स पे ये मतलब बड़ी एडवांस बुक्स जो होंगे ना वो बताएंगी क्योंकि वो सिर्फ ये बताएंगी बट इज़ दिस हाउ इट इज बैक बैक एंड में क्या हो रहा है वो ये लोग नहीं बताएंगे ठीक है ना इनफैक्ट जो जैसे मैं आपको yes. बता रहा था जैसे कि वी स्टार्ट अबाउट न जो एग्जीक्यूशन मॉडल है जावास्क्रिप्ट का तो अक्सर बुक्स अगर आप देखोगे वो तो वो बताते ही नहीं है ठीक है ना सो यू हैव to either डाउनलोड अ वेरी गुड बुक विच इज़ लेकिन अल्ट्रिपल सेवनफी फोर फिर भी जहाज की बुक नहीं बताएंगी ये वो बताएंगे आपको जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक होंगी या माइक्रो प्रोसेसर की बुक्स जो होंगी ठीक है ना जैसे मैंने डगलस हॉल बताया आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग वो वाली बुक लिखती है इसके बारे में और आई कैन स्पेंड अ डे विध यू नो प्रॉब्लम वी कैन डू देट राइट नाव वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर लेक्चर मैंने स्क्रीन शेयर किया कि नहीं किया Uh, it's already shared, right? Okay. So, <coughs> हम जो बात करेंगे इस वक्त uh, मुझे लगता है कि इसका ड्रॉ कहाँ गया ओके लेट्स टॉक अबाउट फिव थिंग्स अच्छा ये तो लग ही नहीं है ना ये लिख क्यों नहीं रहा है यहाँ डेस्क मेरा इतना मैसी है यहाँ पे चीज़ें दिन में लगाते हैं ना ये बच्चे लोगों की छुट्टी थी आज सो देव पुट अ थाउजेंड थिंग्स ऑन इट चलिए कुछ समझ ही नहीं रहा कौन चीज़ कहाँ से एनी वेज लेट्स गेट स्टार्ट विद द आई गेस द ऑपरेटर्स फर्स्टली सो इसमें पढ़ने की ज़्यादा बात नहीं है लेकिन जो जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए मुझे वो मैं बताऊँगा रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो वो सेम ही है जैसे आपके पास अर्दमेट्रिक ऑपरेटर्स होते हैं है ना अर्धमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आएगा <coughs> जैसे आपका प्लस हो गया माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया मॉजुलस हो गया मॉड ऑपरेटर मॉड क्या देता है रिमाइंडर आपको पता ही होगा ठीक है और डिवाइड डिवाइड आपका हो गया ठीक है ना डिवीजन ऑपरेटर ठीक है ना ये तो पता ही है इसी तरह से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो बहुत सारे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे आपने इक्वल किया तो असाइन हो गया लेफ्ट इज इक्वल असाइन टू राइट और कभी कबार हमारे साथ प्लस इज इक्वल भी होता है यानी कि ए प्लस इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल फोर वट इज इट मीन इट एक्चुअली मीन शॉर्ट हैंड इज ए इज इक्वल टू ए प्लस फोर यानी कि ए प्लस इज इक्वल्ड इस तरह से ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्ड या ए माइनस इज इक्वल्ड ये हम ये करते हैं यानी कि आपने क्या किया काम जो भी ए है उसमें ए असाइनमेंट है सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है दैट यू आर असाइनिंग दीज थिंग्स टू द टू द लेफ्ट राइट

ओके प्लस प्लस यानी कि प्लस प्लस ए में पहले असाइनमेंट होता है फिर जाके वो uh, आगे काम करता है पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में असाइनमेंट होती है यानी कि फर्ज कीजिए मैं कह रहा हूं ए प्लस प्लस इज लेस देन फोर लाइक दैट सो इनफैक्ट इट विल डू वट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मीन्स इट विल कंपेयर ए विद द फोर आफ्टर दैट इट इंक्रीमेंट से फर्ज कीजिए ए में थ्री था सो so, क्या ए प्लस प्लस लेस देन फोर है ये कहेगा पहले हाँ क्योंकि ए में थ्री था उसके बाद ए को ये असाइन करेगा नेक्स्ट टाइम वैल्यू जो आपके ए में होगा वो फोर होगा यानी कि अब अगर इसको आप चलाओगे फोर लेस देन फोर फॉल्स आ जाएगा ठीक है ना तो प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर बाकी काम सो so अगर मैं कहता हूँ प्लस प्लस ए इज लेस देन फोर अगर ए में थ्री था तो ये पहले ही फॉल्स आएगा क्योंकि ये पहले इंक्रीमेंट करेगा पहले ए को फोर बनाएगा और उसका वैल्यू फिर सस्टेन रहेगा इट विल बी देयर यानी कि ए नेक्स्ट टाइम इफ यू प्रिंट ए इट विल बी फोर राइट क्योंकि दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट यू आर असाइनिंग वन एडिंग वन वैल्यू टू द ए सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस वन राइट ये तो पता है ये तो बेसिक चीजें हैं जिसको नहीं पता होंगी उसको पता चली uh, इस तरह इसी तरीके से हमारे पास हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर इसमें कुछ बातें हमें जो कहनी है जो कि नहीं पता होता बच्चों को तो वो मैं बताऊंगा जो कि नहीं है या जा रिलेटेड चीजें हैं Uh, जो अदर लैंग्वेज में नहीं थी कंपैरिजन ऑपरेटर कम्पेरिजन कंपेरिजन में क्या करता है वो कंपेयर करते हो लेस देन इक्वल टू हम कहेंगे लेस देन इक्वल टू है क्या लेस देन है लेस देन इक्वल टू है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है इसी तरह से डबल इक्वल टू हमारे पास होता है और ट्रिपल इक्वल टू हमारे पास होता है ठीक है ये ट्रिपल इक्वल टू मैं अभी समझाऊंगा बिकॉज इसमें हमारे पास टाइप uh, का कन्वर्शन लगता है वो मैं बताऊंगा अभी इसमें टाइप कन्वर्शन नहीं होता इसमें होता है ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्शन करता है आई विल टेल यू वट इज़ दैट लेकिन फिलहाल जो ये सारी चीज़ें हैं ये रिटर्न करेंगी बोलियन दैट इज़ आई दिल ट्रू और फॉल्स यानी कि जब भी आपको कोई टेस्ट कंडीशन होगा जैसे इफ़ ब्लॉक में आपने लगाया ये चीज़ें दे विल एवेलवे टू ट्रू और फॉल्स है ना कि भई एस देन बी है कि नहीं वट विल बी आंसर इट विल बी ट्रू और फॉल्स कि ए छा लक उड़ बी खुद कि बी छोटा है कि बड़ा है तो इस इन सब में या नॉट इक्वल्ट भी आ जाता है हमारे पास नॉट इक्वल्ट ऐसे दिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं इसमें स्पेशल सिर्फ ये वाला बंदा है इसमें टाइप कन्वर्शन या कोर्शन नहीं होता वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी कोड में तो ये हमारे पास हो गया कंपैरिजन इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जैसे हमारे पास हो गया और है ना डबल एम्पर साइन से दिखाते हैं हम और हो गया पाइप दो पाइप साइंस या नॉट हो गया एंड तो पता ही हमें जो बोथ साइड्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू राइट एंड का टेबल क्या है जरा बताओ जल्दी शबाश शा, अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन इसका एंड क्या होगा शेर शेर स्क्रीन, हो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा Um, I think you have issue yourself। मैं एक बार फिर से stop screen share करता हूँ कोई मसला नहीं ओके okay. में क्या हो जाएगा कोई बताएगा मुझे बाकी सारे बाकी सब false। ये तो पता है ना And हम दिखाते हैं double ampersand से इस तरह और pipe, दो pipe signs जो हमारे पास होती है ना जो कि right side में जो pipe signs हमारे पास है जो खड़ा ऐसे अलिफ की तरह होता है वो वाला साइन तो वो और क्या करेगा जब दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू है ना तो ये सारे ट्रू आएंगे यानी कि ये ट्रू आएंगे ट्रू 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 ये वाला खाली फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स हैं तो पता ही हमको है कि नहीं लेकिन एक चीज होता है इसमें सीखने वाली बात जो आपको है तो पता ही आप लोगों को है बेसिक्स तो हैं इसमें एक चीज सीखने वाली है वो है शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन वो है शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन अब ये शॉर्ट्स सर्किट वैल्यूशन क्या होता है मैं कोड में ही दिखाता हूँ इससे बेहतर है कि हम यहीं पर करें ना इसको लेट मी गो टू दियर एंड जस्ट गो टू द इंस्पेक्ट हम यहाँ पर कंसोल में ही करते हैं ठीक है ना अरे यार थर्ड पार्टी फर्ड पार्टी क्या आ गया कमांड के टू क्लियर इट ओके अगर हम मैं क्या 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 कह रहा था मैं शॉर्ट सर्किट एवेल्यूशन अब शॉर्ट सर्किट सर्किटन क्या होता है फॉर एक्जाम्पल मैंने ए एक वेरिएबल है उस उसमें मैंने डाला ट्वेंटी uh, सिक्स फर्ज खींचे मैंने ए में डाला ट्वेंटी सिक्स और बी uh, में मैंने डाला नाइन फॉर एग्जांपल बी में डाल रहा मैं नाइन टैम ओके थर्ड पार्टी कुकीज़ पता नहीं क्या मसला है इसको कमांड के अब ए में ये है मेरा ठीक है ना और मेरे पास ए में अब अगर मैं देखूंगा ए में कितना वैल्यू है मेरे पास ठीक है वो है बी में है नाइन अगर मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाहता हूं। मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाहता हूं। मैं कहता हूं क्या मेरा ए लेस देन थर्टी है कि नहीं ट्रू है ना क्योंकि लेस देन थर्टी है क्योंकि ए में कुछ ट्वेंटी कुछ था तो ये ट्रू है लेकिन अब मैं यही चीज़ कर रहा हूं। ए लेस देन ट्वेंटी और उसके बाद मैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा रहा हूं ठीक है ठीक है तो देखिए ये चूंकि ये ट्रू था पहला वाला चूंकि ट्रू था इसलिए ये वेट कर रहा है राइट वाले को कि राइट वाला ट्रू होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये बता नहीं सकता कि टोटल मेरा ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा जब मैं बताऊंगा क्या बी का वैल्यू जो भी था क्या वो ग्रेटर देन हंड्रेड है अब चूंकि इसमें इस सिचुएशन इस में जो मेरा था ये ट्रू निकला जब ये वाला वैल्यू ट्रू निकला एम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है जब बोथ साइड ट्रू होंगे तब जाके ट्रू होगा तो ये इसको फॉल्स निकला बट इट इज़ वेटिंग फॉर दिस इवेल्यूएशन लेकिन अगर लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यहाँ के वाला ट्रू आएगा ये ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा एक हो गया कि मतलब अब ये एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि ये अगर ट्रू है सॉरी अगर ये फॉल्स आ गया फॉल्स अगर ये फॉल्स आ गया तो अगर ये ट्रू भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी अगर ये फॉल्स होगा या ये यहाँ वाला जो होगा फॉल्स या ट्रू हो सकता है हो ना तो अगर ये ट्रू आ गया या फॉल्स हो गया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फॉल्स है अब जावा जो है वो इसको इवेल्युएट करता ही नहीं है इट डजन एवेलेबेट इट इवन इट इट इवन डोंट लुक देयर कि जो ही आपने यहाँ फॉल्स के और एम्पर्सेंट में ये खटाक से आंसर देगा फॉल्स इसको करेगा भी नहीं इसको चेक करने के लिए कि करता क्यों नहीं है करता है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत हम ऐसे करेंगे यहाँ देखें पहले मैं देखूंगा ए और बी में क्या वैल्यू था ए में मेरा ट्वेंटी सिक्स है बी में कितना है नाइन ठीक है ना याद रखें आप अब मैं क्या कर रहा हूँ काम मैं कह रहा हूँ ए ग्रेटर देन थर्टी कह रहा हूँ मैं ये तो सीधे फॉल्स है ना क्योंकि ए में ट्वेंटी सिक्स ही है और मैं अब लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा रहा हूँ ठीक है ना देखो अब जो ही मैंने कहा बी ये यहाँ से फॉल्स लगाया है इसने अब आप कहोगे चलो ठीक है इसका आंसर फॉल्स है लेकिन ये तो एग्जीक्यूट करेगा ये मैं करूँगा बी प्लस प्लस क्या करूँगा बी प्लस प्लस लेस देन टेन वट एवर बी प्लस लेस देन टेन बी में हालांकि नाइन था सो अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ठीक है ना ये तो फॉल्स आया तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर मैं बी का वैल्यू देखूंगा वो नाइन ही है इसने वो टेन बनाया ही नहीं जबकि ये बनेगा टेन अगर ये एग्जीक्यूट हुआ होता अगर ये चीज एग्जीक्यूट हुई होती ठीक है ना तो क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ अगर ये एग्जीक्यूट हुआ होता इसका आंसर चाहे फॉल्स निकलता या ट्रू निकलता लेकिन बी को तो प्लस प्लस होता ना दैट इज़ बी इज इक्वल टू बी प्लस वन वो तो होता ही होता लेकिन चूंकि जब ये फॉल्स निकला एंड के यहां पे इसने ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसने इसकी तरफ देखा ही नहीं तो बी का प्लस प्लस हुआ ही नहीं अगर आप देखना चाहते हो मैं इसको ट्रू बनाता हूं साइड वाले को आप देखो बी का वैल्यू वो इंक्रीमेंट होगा फिर ठीक है ना मैं यहां पर क्या काम करूंगा यहां पर मैं करूंगा काम ए इज़ लेस देन थर्टी कहूंगा वो ट्रू आएगा ठीक है ना अब मैं एम पर्सन कह रहा हूं ठीक है ना उसके बाद मैं बी लिख रहा हूं ठीक प्लस प्लस लिख रहा हूं लेस देन टेन और समथिंग चाहे बी लेस देन टेन है या नहीं है इट ड मैटर वो आंसर ट्रू है लेकिन बी तो खुद पहले प्लस प्लस होगा कि नहीं होगा इस इस कंपेरिजन uh, के बाद वो होगा जरूर होगा देखो फिलहाल ट्रू निकला लेकिन अगर मैं बी का वैल्यू दूंगा वो टेन निकला कि इसने बी का वैल्यू टेन किया इस सूरत में इसने बी को छेड़ा ही नहीं इसने बी के साथ कुछ किया ही नहीं दिस थिंग इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन इसने शॉर्ट सर्किट मारा इसने कहा कि भाई एंड है तो मुझे आगे इधर देखो ही मत ठीक है ना जो इस साइड है इधर देखो ही मत इसको शॉर्ट सर्किट मारो यानी कि अगर यहाँ पे आपका फॉल्स निकला एमपर्सन के यहाँ फॉल्स निकला इधर का करो ही मत दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट इवेलुएशन ये जावर स्क्रिप्ट करता है ये स्पेशल चीज है जावास्क्रिप्ट में यह आपको पता होनी चाहिए इसी तरीके से और के साथ ही करेगा कि भाई साहब अगर और है ठीक है ना तो अगर आपका यहां से ट्रू निकला मतलब ही नहीं है इधर देखने का क्योंकि अगर ये ट्रू निकला आंसर शुड बी ट्रू वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स इट डजेंट मैटर क्योंकि और के लिए क्या होता है ए बी ज़ीरो जीरो जीरो वन वन ज़ीरो वन वन इसके लिए दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है है ना सिर्फ एक सूरत में फॉल्स निकलेगा जब दोनों फॉल्स होंगे तो और मैं जब ये देखेगा यहां से तो ट्रू है ठीक है ये इधर इवेलएट ही नहीं करेगा सो ये याद रखना चाहिए क्योंकि आप कभी करोगे बी प्लस हो गया तो वो होगा ही नहीं जैसे इसको चक अगर करेंगे अभी इधर ये इसमें थोड़ी स्पेशल चीज थी ठीक है ना कमांड के करेंगे पहले क्लियर करेंगे कमांड के करो ना यार इसको क्या हो गया कमांड के अच्छा बी टेन हो गया बी अभी टेन है मेरा ना बी मेरा टेन है देखो कमांड के थर्ड पार्टी का पता नहीं क्या इशू है एनीवेज मैं कहूंगा यहाँ पे मैं मैं और के लेफ्ट में ट्रू कर दूंगा क्या ए लेस देन थर्टी है हाँ है है ना उसके बाद मैं और करूंगा ठीक है क्योंकि ए लेस देन थर्टी है वो ट्रू दिखा रहा है उधर ही मैं और करूंगा इसको बी प्लस प्लस इज से फॉर एग्जाम्पल लेस देन हंड्रेड वो ट्रू है बी इज लेस देन हंड्रेड यस दैट इज ऑल्सो ट्रू सो ये भी ट्रू आ गया ये भी ट्रू आ गया सो इट डजेंट मैटर आंसर पहले ही ट्रू है क्योंकि और के लेफ्ट में जो ट्रू है सो राइट देखने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या इसने बी क्योंकि दोनों ट्रू हैं ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ठीक है ना तो क्या बी का वैल्यू इसने अलेवन बनाया वो देखेंगे बी स्टिल स्टेज एट टेन बी स्टिल स्टेज एट टेन क्योंकि इसने शॉर्ट सर्किट मारा इसने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मारा अगर मैं यही चीज करता लेकिन मैं कहता ए इज़ ग्रेटर देन थर्टी मैंने फॉल्स किया साइड वाला मैंने ये वाला फॉल्स किया लेफ्ट वाला फॉल्स किया अब इसको ज़रूरी करना है राइट right वाला अब इसमें चारा नहीं है क्योंकि और मैं ये वाला निकला फॉल्स सो ओवरऑल जब आपका और है कंट्रोल उन्होंने जब आपका और है अगर ये वाला फॉल्स निकला अब ये जरूरी देखना है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है तो उस बिना पे आंसर आएगा अब इसको ये इवेलोट करना ज़रूरी है अगर ये फॉल्स आया तो ओवरऑल फॉल्स आएगा फॉल्स 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 लेकिन अगर ये वाला राइट right वाला ट्रू आया तो ओवरऑल आंसर क्या निकलेगा ट्रू तो इसका फॉल्स होना कोई ये मतलब नहीं है क्योंकि और में दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है सो दैट मीन्स कि अगर मैंने ये वाला फॉल्स बनाया अब इसको ये वाला करना ज़रूरी यानी कि जो ये इससे पहले मैंने ये जो किया ये करना ज़रूरी अब अब चाहे ये ट्रू निकले या फॉल्स निकले लेकिन बी प्लस प्लस तो होगा होगा चाहे आप इसको फॉल्स करें या चाहे आप इसको मतलब आप बी प्लस प्लस लेस देन ग्रेटर हो गया तब भी बी प्लस प्लस तो होगा ही होगा दैट बी में अगर टेन था वो अलेवन तो बनेगा ही बनेगा दोनों सूरतों में चाहे ये कंडीशन फॉल्स निकले या ट्रू निकले बात समझ आ रही है तो इसको करते हैं देखते हैं यानी कि मैं अब यहाँ पे कहता हूँ बी मैं यही लिखता हूँ जो है अभी जो इससे पहले हमने लिखी थी बी प्लस प्लस इज लेस देन हंड्रेड जो कि ट्रू uh, है तो इस सूरत में अब अगर मैं बी को करूंगा प्रिंट इट इज नाउ अलेवन है ना तो यहां पे इसने क्या किया था इट इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट सर्किट एवेल्यूशन जो यहां पे इसने ये इधर गया ही नहीं देखो तो इधर तो ये गया अब इधर ये गया क्योंकि ये फॉल्स था इस सूरत में जब ये ट्रू निकला इट डजेंट सो कुल मिला के अगर आपको एंड है उसमें अगर यहां से फॉल्स निकला इधर जाने का मतलब नहीं जहाँ से जाता ही नहीं है उधर तो उधर अगर, अगर कुछ आपने असाइनमेंट्स किए हैं कुछ चीज़ें की हैं वो होंगी ही नहीं ये शॉर्ट सर्किट मारता है इसी तरीके से और में अगर यहाँ से ट्रू है तो इस साइड ही जाएगा ही नहीं राइट साइड ही जाएगा ही नहीं ये शॉर्ट सर्किट मारेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की है ठीक हो गया हाँ जी एवरीबडी डन विद इट कमांड के तो ये हमारा yes, था ये था हमारा कौन सा ऑपरेटर ये हमारा लॉजिकल uh, ऑपरेटर की बात है इसमें थोड़े से एक और हाँ ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना एंड और नॉट एक और होता है नॉट ठीक हो गया इसी तरह से हमारे बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे पास होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स बिट वाइज ऑपरेटर्स जो बिट वाइज ऑपरेटर जो आपने सी में पढ़े वही है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वही सी वाले हैं सिंगल एम्परसन सिम्बल सिंगल और ये सिंगल एम्परसन एक बिट पे काम करेगा राइट शिफ्ट राइट कराएगा लेफ्ट शिफ्ट राइट लेफ्ट करेगा एम पर्सन जो है ना वो वो एक बिट्स पे काम करेगा ना एंड करेगा दो बिट्स को जैसे वन है जीरो है तो इनके ऊपर काम करेगा ना कि पूरे नंबर पे ठीक है ना ये सिंगल सिंगल बिट दैट्स कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर सो इस तरह नॉट करेगा सिंगल बिट्स पे जो जैसे आपके पास नंबर अगर होगा टू फोर सिक्स एट ये नहीं ये एक एक, एक बिट पे काम करेगा जैसे वन जीरो वन जीरो वन जीरो नंबर है तो उसके एक एक, एक बिट पे काम होगा राइट शिफ्ट इसको राइट करवाएगा लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट करवाएगा जिस तरह माजिद हमने वहाँ पे असम्बली uh, लैंग्वेज में किया था राइट right शिफ्ट हम कर रहे थे जब हमें ए uh, में डालना था चीज़ें उसके बाद हमें uh, वो पैक करना था एंड ऑल दैट जब हमने टू डिजिट पकड़े थे हाँ जब हमने फोर हमने फोर किया था उसको शिफ्ट थे हाँ यस दैट इज द फोर बिट्स उसने शिफ्ट किए तो इंडिविजुअल बिट्स पे काम हो रहा है ना कि डिजिट टोटल नंबर पे जैसे तो मेरे पास फोर है उस पर काम नहीं हो रहा है सो so, ये मैं आपको असाइनमेंट रख रह रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इट ही इट विल नॉट एक दैट टाइम बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बट इट सिंपल राइट जस्ट सी वट हाउ द लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड नॉट एंड ये कैसे काम करते हैं ठीक है ओके और एक ये भी है दिस इज असाइनमेंट अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं कल समझाऊंगा इसको अगर आपको नहीं आया मुझे बोलना मैं कराऊँगा इसको ये देखो ये ये एमपरसेंट ये नाट साइन एक और ये तीन ऐसे ये मुझे बताना ये चीज़ें क्या हैं ठीक है थीके?

इट इज अट्रिंग राइट अगर मैं कह रहा हूं वन पस वन सो इट इज गिव मी वटन इट इज एक्ट आई अलेवन इट इज इट इज इट मेक्स इट कन सिट यह कम्बाइन करें वनस वनस कम्बाइन ठीक है बट इफ आई डू सेम थिंग मैं सेम ही कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे माइनस वन करूँगा इट इज गिव मी आंसर जीरो

Junaid, and you concatenate it with, for example, muttaki, right? And you give it a this is called concatenation. Concatenate concatenate two string. So this your this plus operator here, this is your concatenate operator in strings which which joins the two strings together, right? But so that means it has converted this one into the string and concatenated the two into the single string, right? But here.

यहाँ पे जो प्लस है इसमें बोलेगे तो कनकेटनेट हो गया भाई ये तो मुझे इस ये यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा कि तुझे कैसा प्लस करूँगी तुझे कैसा कंकैटनेट जिस स्ट्रिंग करूँ सो so, इसको यहाँ पे ये गेस वर्क कर रहा है प्लस में कि भाई क्योंकि प्लस आपके स्ट्रिंग्स में भी होता है सो इट टेक्स इट की बाईस करी कनकेटनेट लेकिन यहाँ पे इसको पता है कि माइनस कहाँ स्ट्रिंग को करोगे आप लोग ये तो असल में चाहता है कि वन माइनस वन करना सो इट इज ऑटो कन्वर्टिंग दिस वन जो कि स्ट्रिंग था इन टू द नंबर वन देन माइनस इट To make it zero, and this it will do it with the other thing, other operators also. For example, agar uh, meseiten one or two, it's not necessarily the one only. You multiply it with say, for example, three. Now answer is coming six, not concatenating and doing anything, but it multiplying. So how it multiplies? It converts this two into the number, right? This is called auto, uh, you know, type conversion. Bas majari

मैं कह रहा हूँ सिक्स ठीक है ना क्या ये ग्रेटर देन फोर है तो इसमें ये ट्रू दिखा रहा है हालांकि ये तो स्ट्रिंग था तो लेकिन इसने कन्वर्ट इसको किया एज ए नंबर सिक्स फिर कह रहा है क्या सिक्स चार से बड़ा है हाँ आंसर ट्रू ठीक है तो इनसे भी इन चीज़ों से भी ये आ गया ठीक है ना यू कैन ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि ना मैं गई इस टू यन जो ना मैं कंकैटनेट कौर में ये uh, अगर आप ये चाहते हो कि ना ये नंबर बन गंबर बनू वन है ये यह नंबर बनू क्या बनू ये वन जो है नंबर बनना चाहिए देन यू हैव टू डू ऑटो टाइप कन्वर्शन ओके यू कैन से लाइक पारस इंट पी ए आर एस ई आई एन टी ये पारसेंट मैं कहता हूँ पार्स इंट करो आप जो आपके पास सिंगल कोट में या डबल कोट में से फॉर एग्जांपल टू था आपके पास ठीक है ना इसको पार्स इंट करो आप ठीक और उसके बाद आप आ, इसको ट्वेंटी करो एड नाउ इट बिकम्स ट्वेंटी टू अब इसने जो है मैं चाहता था कि मतलब अगर हम ऐसे करेंगे कि भाई हम कहेंगे टू प्लस ट्वेंटी व्हाट विल डू इट विल कनकैटनेट द टू ठीक है ना प्लस के लिए कनकेट करता मैं चाह रहा था कि नहीं मैं, मैं इसको भी नंबर बनाऊं ताकि ये प्लस हो तो यू कैन डू द पारसेंट यू कैन डू वट पारसेंट पारसेंट में इनफैक्ट इनफैक्ट पारसेंट में एक और आर्गुमेंट होता है ठीक है ना अगर मैं कहूँगा पारसेंट पार्स इंट ठीक है ना पार्स इंट पार्स पारसेंट में ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वन टेन को ठीक है ना डबल कोर्स में मैं लिया उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है कि मैं इसको ये देखो रेडिक्स बता रहा है ना फिर रेडिक्स दैट मीन्स द बेस अगर मैं कहूँगा ऑन द बेस बेस ऑफ टू बाइनरी तो इट विल कन्वर्ट दिस टेन इंटू द टू बिकॉज वन जीरो मीन्स टू इन बाइनरी ओके दिस इज द बाइनरी टू अगर मैं इसको कहूंगा भाई तो बाइनरी नहीं मेरा डेसिमल ही दे दें जो मेरा डेसिमल है टेन का उसमें तो टेन का टेन ही है अब मैं कहूँगा नहीं मुझे ऑक्टल में चाहिए ऑक्टल में वन जीरो कितना है भाई एट समझाया था उस दिन मैंने एक दिन है ना हैगजर डिसमल में वन तो जीरो है है तो में में हम convert भी कर सकते हैं जो ये ये मेरी थी यहां पे जैसे जरूरी मैं for example, 12. ठीक है? मैं ठीक uh, कितना है ठीक है या मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल कितना है टू द बेस एट तो ये बताएगा ये टेन है तो आई कैन कन्वर्ट दैट सो दूसरा नंबर जो मेरे पास इसमें होता है वो होता है ऑफ द बेस रेडिक्स कमांड के टू क्लोज इट ठीक हो गया ओके okay. दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं कन्वर्ट uh, करना चाहता हूँ कमांड के पता नहीं इसको क्या हो गया यार कमांड के अच्छा अगर मैं कन्वर्शन कर रहा था अभी मैं कह था कि भाई आप एक काम करो आप मुझे कंसोल नहीं कंसोल लॉग तो कंसोल ही है तो मैं कंसोल लॉग करूंगा मैं कहूँगा परसेंट पारसेंट करो आप सेफ फॉर एग्जाम्पल आप पारसेंट करो टेन को है ना पारसेंट करो टेन को आप ठीक तो इसने इसका नंबर टेन बना दिया अगर मैं यही चीज़ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल अलर्ट में किसमें अगर मैं यही चीज़ लिखूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल अलर्ट में मैं अलर्ट दूंगा ताकि मेरे को अलर्ट बॉक्स आए मैं कह रहा हूँ पारसेंट 12 को पारसेंट करो ये उसका नंबर बना देगा ठीक है ये हो गया ये बंद बन गया इसका ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व बन गया तो अब अगर मैं इसको एक चीज़ करूँगा काम मैं इसका शॉर्ट कट करूंगा मैं इंट नहीं इस्तेमाल करना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द पार्स इंट तो मेरी मुझे मेरे पास एक यूनरी ऑपरेटर प्लस है जो यही काम करके देगा सो आई से प्लस 12 लाइक दिस ये मुझे जरूरत नहीं है अब सो इट अगेन गिव मी द ट्व ठीक है इट कैन कन्वर्ट दिस यूनरी ऑपरेटर प्लस ऑल्सो इज यूज इन स्टीड ऑफ पार्स भी आप याद रखें इफ यू अ टाइप कन्वर्शन यू टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इन टू द इंटीजर रखा याद आपने हाँ जी यस सर ओके इसी तरीके से हमारे पास हमारे पास इंफिनिटी है हमारे पास नॉट ए नंबर है एन ए एन है ये भी चीज़ें हमारे पास है इन्फिनटी एन ए एन है हमारे पास और अनडिफाइंड जो आप अभी देख ही रहे हो अनडिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड और नल ये चार चीज़ें और हम सीखेंगे अभी एक मैंने कहा कि मेरे पास इन्फिनटी है ये इन्फिनटी जो है इसका डेटा टाइप नंबर ही होता है ठीक है और आपका नैन ये भी नंबर होता है आपका नल हो गया नल खुद डेटा टाइप है और आपका जो अनडिफाइंड है ये खुद डेटा टाइप है अनडिफाइंड एंड नल दोनों डेटा डेटा टाइप्स हैं ठीक है ये खुद डेटा टाइप्स हैं और अनडिफाइंड कब आपको मिलता है जब आपको आ, कोई वेरिएबल होगा जिसको आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो ठीक है ना आपने एक वैर ए किया ना ए इज अनडिफाइंड और मैंने क्या कहा लेकिन अनडिफाइंड खुद डेटा टाइप है ठीक है ना यानी कि जब भी कोई वेरिएबल होगा जो कि विदाउट एनी वैल्यू होगा अगर आपके पास वेर ए इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर है अब ए विल बी लाइक इन नंबर ए विल बी नंबर राइट ठीक है लेकिन जो अगर आपने कहा वैर ए खाली असाइन नहीं किया विदाउट ए वैल्यू सो ये बनेगा आपका अनडिफाइंड लेकिन फिर नल क्या होता है फ़र्ज कीजिए आपके पास प्लेयर्स है प्लेयर गेम्स हैं आपके पास आपने आपके पास एक प्लेयर था उसका नाम था फॉर एग्जाम्पल जुनैद ठीक प्लेयर ए अब दूसरा आपने क्या वैर वे, आपने वैर प्लेयर ए किया उसमें जुनैद डाला वैर प्लेयर बी किया आपने उसमें कुछ भी नहीं अभी डाला आपने सो so, ये जो बी है इसमें अनडिफाइंड होगा कि कि इसमें कुछ नहीं है एक तरीके तरीक से बोलने का कि इसमें कुछ नहीं है, अभी। uh, वो है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पलोग्रामिंग यू विल पुट इन टू प्लेयर ए नो हैविंग नथिंग इन इट लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी सी फर्क है कि ये जो है ये इन कॉन्टेक्चुअली इसमें कुछ नहीं है और इसमें एक्सप्रेसिवली आपने डाल दिया कि इसमें कुछ नहीं है वरना दोनों असल में अनडिफाइंड एंड नल इट बोथ मींस के कुछ नहीं है गेटिंग द पॉइंट हाँ जी है ना तो आपने कहा वेयर ए अब ए अगर आप कहोगे वॉट इज द ए दैट इज अच्छा वेयर ऑलरेडी ए था कोई आपको आप कहोगे के वेर, न, k, अब आप के को कहोगे कि के में क्या है अनडिफाइंड अगर आप टाइप ऑफ भी कहोगे टाइप ऑफ टाइप ऑफ के कहोगे आप इट इज डेफिनेटली अनडिफाइंड ठीक है ना लेकिन अगर आपने अब के में नल डाला क्या डाला नल नाउ एक्सप्रेसिडली यू आर पुटिंग इट नाउ से टाइप ऑफ नाउ व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ के टाइप ऑफ जनाब के सो इट इज टेलिंग मी ऑब्जेक्ट एंड इट कांसल टू बी द बग इट इज कॉन्सल टू बी व्हाट बाग इट शुड हैव सेट दैट इट डेटा टाइप null निकॉज नल इज इट सेल्फ ए डेटा टाइप सो इट शुड told us की जो ये k है इसका data type null है लेकिन it is a bug in the JavaScript and इज not fixed. why? because इसके ऊपर बहुत सारे काम हुआ है so अगर वो काम करें अगर हम इसको वापस ये null बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी इसलिए इसको ऐसे ही रखा गया एज ए बाग ही कहा गया कि भाई ये बाग है तो इसको ऐसे ही रखो वरना डेरा टाइप ऑफ के इज़ वट यू शुड इट इज ए नल लेकिन अनडिफाइंड नल में समझ आ गई आपको बात क्या है ठीक है ना आगे कि नहीं आ गई तो अब इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी भी एक चीज है जैसे आपने कमांड के आप कहोगे वैर ए ए एलरेडी मेरे पास था ना इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई जीरो कर दो तो इसको ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई जीरो अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि ए का मसला था लेकिन असल में ए में है क्या वॉट इज इन ए नाउ इफ यू पुट इज इज इन इट प्रिट वटी ओके ना इफ यू से सेट इज द टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ ए इट्स ए नंबर राइट सो इन्फिनिटी इज नॉट ए डेरा टाइप इन्फिनिटी इट्सल्फ इफ यू से टाइप ऑफ इन्फिनिटी इफ यू से टाइप ऑफ व्हाट इज अ डेरा टाइप ऑफ इन्फिनिटी इन फिनिटी आई शुड बी कैपिटल It's a number. Type of infinity itself is a number. So, infinity is considered to be as a number. The data type of infinity itself is a number. Infinity is not a data type, right? But it comes and infinity you can use itself. You know, if you multiply infinity with uh, something, you say infinity plus one, it, it will come to be infinity. So, now if you say infinity mu multiply by say five, you can do that sometimes if you want some some you know sometimes we want to convert something to infinity we multiply it with the infinity so infinity means something which is undetermined uh, but its data type is what its data type is number number, number. very good now you got the infinity you got also there is also the nan not a number right before that i want to say like this math dot power you know you have the exponentiation also you should also know that we have exponentiation like for example exponential operator i'm saying we say 2 exponent 3 it will come eight it is actually 2 raised power 3 this one is 2 raised power 3 2 raised power 3 so this is 2 into 2 into 2 so in short you write exponential like this and it is having very much good associativity you know there is two things one is called associativity one is called a precedence now in programming you must have read it that we have one is called precedence एंड सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एसो सीएटिविटी फॉर एग्जाम्पल जो जो फॉर्मूला हमारे लगती है जिसे बॉडमास लगती है मैथ में यहाँ पर लगता है हमें पेमडास सो so, प्रेम दास याद रखो आर का खत्म करना प्रेम का क्योंकि आर रहा नहीं तो इसलिए पेमडास है ठीक है वायर पी इज द पेरेन्थिस ई इज दिस एक्सपोनसिएशन राइट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पता ही है ठीक है ना ओके okay? इसमें जो फिर आपकी जो है ना ये जो आपकी जो प्रेसिडेंस है अब प्रेसिडेंस पहले किसकी है हैं पेरेंसिस की फिर एक्स पेरेंसिस की पेरेंसिस ये होता है फिर एक्सपोनेंसिएशन जो है उसकी है उसके बाद ठीक है पहले पेरेंसिस वाला सॉल्व होगा फिर एक्सपोनेंसिएशन होगा फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूल भी हैं ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड मॉड इसमें आया नहीं था ना पेम डमास कर दो डबल एम करो यहाँ पे पेम डास, सो यानी कि आपका इसके बाद जो प्रेसिडेंस हैं वो मल्टीप्लाई की है वो आपके डिवाइड की हैं और आपके मॉजुल्स uh, की है उसके बाद आपकी जो लास्ट में बचेगा वो है प्लस और सब का ठीक है और अगर ये ऑपरेटर मिल गए दोनों एक साथ तो उनकी होती है एसोसिएटिटी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर किसी को ही समझ नहीं आ रहा मैं थोड़ा सा समझा दूंगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ सॉल्व करना है मुझे सॉल्व करना है टू प्लस वन इंटू फाइव ठीक है इसमें दो ऑपरेटर्स हैं एक तो प्लस है और दूसरा कौन है इंटू अब जो आपका पी ई एम एम डी फिर ए एस इनकी अलग प्रेसिडेंस हैं इनके अलग प्रेसिडेंस हैं इसकी हाईएस्ट उसके बाद ये हाईएस्ट पी हाईएस्ट पेरेंसिस तो है नहीं एक्सपोन है ही नहीं मल्टीप्लाई और एडिशन है एडिशन कम है उसकी प्रेसिडेंस कम है मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है फर्ज़ कीजिए आपको पानी देना है एक दुल्ह है और बाकी बराती है तो पहले आप पानी किसको दोगे दुल्हे को उसकी क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस प्रायोरिटी ज़्यादा है ठीक है ना तो दैट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस गाय नॉट दिस अगर हम यही पहले सॉल्व करेंगे ना टू प्लस वन इज थ्री थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन आंसर आएगा तो वो गलत आंसर है क्योंकि दिस विल वैल्यू टू लाइक दिस फाइव इंटू वन पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि इस मल्टीप्लाई की ज्यादा है टाइम्स प्लस टू होगा आंसर निकलेगा ठीक है ना फिफ्टीन आंसर नहीं है दैट इज रॉन्ग बात समझ आ गई हाँ जी लेकिन yes, yes, अब अगर अब अगर यही चीज जो मैंने अभी किया टू इंटू वन प्लस फाइव ओके अगर ये है तो मैं वन और प्लस फाइव को पेरेंसिस लगा दिया मैंने क्या लगा दिया पेरेंसिस अब पी पहले होगा ना पी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा अब कौन पहले सॉल्व होगा ये सो फाइव प्लस पहले सॉल्व होगा आंसर निकलेगा बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द पेरेंसिस इसी तरीके से अगर पहले आपका एक्सपोनसिएशन ही है अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल फोर डिवाइडेड बाई वन ओके प्लस टू एक्सपोनसिएशन टू ऑपरेटर्स मेरे पास हैं एक तो डिवाइड है है ना एक प्लस है, है और एक्सपोन है तो पहले कौन सॉल्व होगा पहले exponentiation होगा बिकॉज पी के बाद ई e आता है प्रेमदास okay? so अब बचा यहां पे प्लस और फोर डिवाइड बाई वन अब divide और प्लस में किसको प्रेसिडेंस है डिवीजन को ज्यादा है फिर लास्ट में ए एस को है ना, ना? कि अब अब पहले पहले, कौन सॉल्व होगा? होगा, ये है या पे था, प्लस so इसी तरीके से अगर मेरे पास अब फर्ज कीजिए मेरे पास ऐसे हैं, फोर टाइम्स टू टाइम्स फोर डिवाइडेड बाय टू अब इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई है और डिवाइड है ठीक है ना देखो जो आपका प्रेसिडेंस है पहले इसकी होगी पेरेंसेस की उसके बाद एक्सपोनसिएशन की होगी उसके बाद जो मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या मॉजुलस है उनकी सेम ही है प्रेसिडेंस उसके बाद आपका एड एंड सब्ट्रैक्ट उनकी सेम है अब इसमें आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड वो एक ही ग्रुप में आते हैं सो so, जब इन तीनों की एक ही प्रायोरिटी है ये तीनों जो बंदे हैं एक ही प्रायोरिटी इसमें कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई कम प्रायोरिटी वाला नहीं है इस वक्त लगती है एसओ सी ए टिविटी है ना जैसे आपको यहाँ पे पानी देना था यहां पे दुल्हा था और बाराती थे अब दुल्हे की पे, पे, जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है प्रेसिडेंस प्रायोरिटी बारातियों की कम है तो पहले आप किसको सर्व करोगे दुल्हे को ठीक है अब अगर बाराती हैं बाराती सारे एक जैसे हैं उन सब की प्रेसिडेंस एक ही है ना उसमें हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी यूज इस्लाम इस्लाम से राइट सो वी विल स्टार्ट सर्विंग फ्राम द राइट क्योंकि उनमें सबकी प्रेसिडेंस सेम है तो उस सर्व लगती है एसोसिएटिविटी

सॉल्व करने का जो है यू हैव टू फॉलो दिस रूल वट आई सेट इज पी पेम एम एम डी ए एस इसमें ये दूसरा एम कौन सा आ गया मॉजुल्स का ठीक है ना इसकी हाइस्ट है उसके बाद वन टू थ्री और इसकी फोर्थ पे ठीक है क्लियर ओके यस। अच्छा जी अब एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे ये इस पर आया था दिमाग में एक बात मुझे याद आ गई थी अब मैं इसमें लग गया ना लेकिन मैं लग गया एसोसिएट और प्रायोरिटी के ऊपर यानी कि हम मैथ डॉट पावर भी कर सकते हैं यानी कि यही चीज़ हम मैथ डॉट पावर मेरे हमारे पास बहुत सारे क्योंकि ए का बंडल हमारे पास है मैथ डॉट पावर हम कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम ठीक है ना और उसके बाद कर रहा हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेन खामा टू ठीक हो गया हंड्रेड आ गया ठीक क्या हम अनगिनत स्टोरेज ले सकते हैं इसका नंबर का क्योंकि ये नंबर है ना बेसिकली ये नंबर में डेटा टाइप नंबर है जिसमें ये जा रहा है चाहे आप किसी वेरिएबल में डालो ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू मैं यही कह रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम लेकिन मैंने ये ए में डाला ठीक है ओके तो अब ए में गया ये हंड्रेड ठीक है ना तो क्या मैं चाहे आप ए में वेरिएबल में डालो या चाहे आप ऐसे ही रखो हंड्रेड तो क्या आप ये अनगिनत यू नो विदाउट लिमिट इसमें क्या लिमिट ही नहीं है वैसी बात नहीं है क्योंकि जो भी प्रमेटिव डेटा टाइप्स हैं टैम जो भी आपके क्या हैं जो भी आपके प्रमेटिव डेटा टाइप्स हैं उनको आपको याद रखना है कि उन सब का क्या होता है लिमिट होता है दे आर ऑल लिमिटेड लेकिन जो आपके नॉन प्रिमिट डेटा टाइप्स हैं जो कि हीप में रहेंगे किस में रहेंगे जो कि आपके हीप में रहेंगे उधर आप अनलिमिटेड कर सकते हो जो उनका लिमिट होता है वो वो वो, वो आपको आ, सारे जो है ना अनगिनत नहीं कर सकते आप अनलिमिटेड नहीं है वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को कहूंगा जो मैथ डॉट पावर मैंने कहा यार, को क्या गया मैथ डॉट लॉक लगा हुआ है मुझे अच्छा जी क्या कह रहा था मैं मैथ डॉट पावर मैथ डॉट पावर कर रहा हूँ मैं और मैं लगा रहा हूँ टेन और यहाँ से मैं कर रहा हूँ थाउजेंड uh, ये आउट ऑफ लिमिट आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ गया क्योंकि मेरे पास लिमिट है नहीं अब अगर आपको देखना है कि आपके पास नंबर जो है मैक्सिमम नंबर क्या पकड़ेगा ठीक है तो आप कह सकते हो यहाँ पे नंबर डॉट एक आ रहा था इसमें क्या आ रहा था मैक्स uh, कुछ आ रहा था मैक्स वैल्यू शायद मैक्स वैल्यू हाँ मैक्स वैल्यू ये है ना मैक्स वैल्यू ये कर दो तो ये जो आपका जो नंबर है ये दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर व्हाट ए नंबर कैन होल्ड इज ह्यूज नंबर लेकिन अगर आप ये इनफैक्ट इज़ ए वेरी वेरी ह्यूज नंबर दिस नंबर नंबर कैन होल्ड बट इफ़ यू वॉन्ट कि मुझे इससे भी बड़ा चाहिए डेट वी हैव द बिग इंट डेरा टाइप जो कि हम बाद में करेंगे ठीक हो गया बात समझ आ गई कि नहीं आ गई yes, अच्छा मुझे अगर यहां पे एक बताओ कि मैं करूंगा पारसेंट मैं करूंगा पार्स इंट। पार्स इंट बोला ना यार ये यार्ट पारसेंट करूंगा मैं लेकिन अंदर मैं दूंगा जैसे मैंने पार्सेंट करूंगा फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड को ठीक है ना तो कोई इश्यू नहीं है ये इसको हंड्रेड बना देगा नंबर मैं पारसेंट कर रहा हूँ लेकिन अंदर में लिख रहा हूँ हूं एबीसी uh, ना कुछ सो व्हाट विल हैपन सो व्हाट विल गिव इट इज गिविंग नैन इट इट्स गिविंग व्हाट नैन नान मींस नॉट अ नंबर नैन मींस व्हाट नॉट अ नंबर यू शुड रिमेंबर दैट सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही चीज किया और मैंने किसी वेरिएबल में डाला फॉर एग्जांपल ए टू परसेंट एबीसी

They are itself not of type number, itself of type. What if you say number. type of nan, type of nan, n a n tab, enter, it's a number. It's what type of nan is itself a number. Got it or not got it, Hanji? Yes, sir. Okay, mm, let's move on further. What can we read about these things like nan? Bihogia, अच्छा एक होता है डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू जो मैंने बताया था आपको ठीक है ना अगर मैं कहूँगा फर्ज कीजिए मैं कहूँगा ये मेरा वन है ठीक है ये किस में है एज ए स्ट्रिंग मैं कहूँगा क्या डबल इक्वल मीन्स कंपेरिजन इक्वल टू मीन्स असाइन ठीक है ना जो आपका अगर आप, आप कह रहे हो ए इक्वल्स टू फोर सो ये फोर को उठा के ए में डाल देगा दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं कहूँगा ए डबल इक्वल टू फोर डबल इक्वल टू फोर इट डजेंट मीन पुट फोर इंटू ए इट मीन्स कंपेयर करो क्या ए में फोर है कि नहीं आंसर विल बी एज ए ट्रू और फॉल्स सो डबल इक्वल टू मीन्स कम्पेरिजन ठीक है ना ये तो पता ही है आपको तो कंपेरिजन में क्या होता है कि वो बोलते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं है ये हो गया असाइनमेंट कि चार को उठा के पटक के ए में डाल दो तो कंपेरिजन का मतलब होता है डबल इक्वल मैं कहूँगा वन क्या ये वन के बराबर है या नहीं यहाँ पे आ जाओ क्या ये वन के बराबर है नहीं या हाँ कह रहा है जबकि ये है नहीं क्योंकि ये वाला जो है ये स्ट्रिंग है राइट right वाला क्या है नंबर है लेकिन यहाँ पर भी टाइप कन्वर्शन होती है यहाँ पर भी क्या होती है ये टाइप कन्वर्शन हो रही है यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू नंबर वन फिर कह रहा है कि क्या नंबर वन बराबर है नंबर वन के आंसर ट्रू आ रहा है हाँ जी आ रहा है तो अगर मुझे जावास में बोलना है कि तुसे आ रहे तू नंबर कन्वर्शन मत कर मैं गलती नहीं कर रहा मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग है और ये नौ ये नंबर है तू कम अपना जो ये है मत कर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा काम मैं इसको बोलूंगा वन मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा अब ट्रिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ट्रिपल इक्वल टू जाक्रिप्ट के टाइप कन्वर्शन को बोलेगा स्टॉप तुझे स्टॉप कर मैंने पता है कि ये स्ट्रिंग है तुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सो ये इसको कन्वर्ट नहीं करेगा बल्कि अब ये चॉकिंग डेटा टाइप के साथ होगी क्योंकि ये डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है ये तो नंबर है तो आंसर आ गया सेम सेम चीज जो थी जो ट्रू आ रही थी इससे पहले क्यों आ री ट्रू क्योंकि जावास के पीछे से लगा था स्मार्टनेस दिखाने तो स्मार्ट बन गया था ना वो वो स्मार्ट बनकर उसको लगा था कि तो कंपैरिजन कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग नहीं ये नंबर था आपको गलती हो गई है तो इसने कन्वर्ट किया इसको एज अ नंबर वन तो जब मैंने ट्रिपल रिकॉर्ड किया तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया मैंने कहा तू स्मार्टनेस अपनी जगह रख मैं पता है तू मुझे बता कि स्ट्रिंग वाला वन बराबर है इसके के नहीं किया फर्ज कीजिए कभी आपके किसी में स्ट्रिंग है फिर आप चाहते हो कि यहाँ से भी करें कंपैरिजन वगैरह और मैं हूँ तो टाइप कन्वर्शन नहीं कर रहा मुझे सीधे बताइए यही जो बी आई नहीं यही जो है तो उसमें सीधे फॉल्स आएगा क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग है ये वाला क्या है ये वाला आपका जनाब नंबर है ठीक हो गया एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस हां जी सर ओके सो देर इज कैन टेक बट आई थिंक दिस इज टू मच ऑफ टाइम बिकॉज स्ट्रिंग अग टॉपिक उसके बाद एरेज एंड ऑल ठीक है ना वो हम करेंगे कल इनशा ताला सो वी विल हैव द स्ट्रिंग्स अरेज टॉपिक स्ट्रिंग्स है हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं मेरा ख्याल है इसमें और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी जो मुझे बोलनी चाहिए थी आपको एक्सपोनेंशियल नल वगैरह भी बताया मैंने ना बिट hmm. वाइज आप कर लेना

और इसको पॉइंट कर रहा था ये मर गया जब मर गया ना तो गेम में कहा रहेगा अब पीवन को क्या डालोगे अब नल जब, जब पीवन में नल जाएगा यहाँ पे नल आएगा कीन। ये ख़ खत्म यह चुन कही पे कुछ हजरत शेख सब ठीक, ठीक। है <laughs> मगर ये हाथ अगर हाथ रुपये अगर हंड्रेड रुपये पे किया होगा तब जाके ना वरना मत लेगा वो डस्टबिन मुंसिपैल्टी वाला वरना उधर ही रखेगा तो पी एम सो तो सू निये साफ कर फिलहाल तो आपको नल आ गया ना यहाँ पे नल का मतलब क्या है कि भाई नल और अनडिफाइंड मैंने कहा ना ये काइंड ऑफ सेम ही है लेकिन अनडिफाइंड अब कॉन्टेक्चुअल uh, मीनिंग में हम कहते हैं कि नहीं है इस वेरियबल में कुछ और नल में एक्सप्लिस हम बोलते हैं कि भैया इसमें कुछ नहीं है हालांकि दोनों का मतलब ही ये है कि इसमें कुछ नहीं है अनडिफाइंड हम करते थे ना एज प्लेस होल्डर इनिशियल डेटा के लिए कि अभी इसमें ये कुछ डाला नहीं तो अनडिफाइंड असल में नल ही है अनडिफाइंड hmm. असल में क्या है नल लेकिन कॉन्टेक्चुअली hmm. अब अनडिफाइंड अपने टाइप खुद एक रखा है अनडिफाइंड एज अ डेटा टाइप तो हम जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे ए हम उसमें hmm. डालते हैं अनडिफाइंड क्योंकि क्योंकि अनडिफाइंड और नल जो है ना नल मीन्स समथिंग स्टिल नल मीन्स इट इज एमटी अनडिफाइंड में इट इज नया ठीक ब, ख्याल ठीक है null mm. still has something in it. What is it in it? It is empty. It is nothing in mm. it. So null okay. still means something is there. Then that variable A where A is it was because it was already having something. Na? Now you put null in it. Still it is but it is empty. It's what? Empty. Empty, right. But technically they are I'm um, technically they can lapora it don't know a it still makes it undefined. It चोसी ए नम उस ना चौसी ए त्रू फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर योस नंबर ये आम नल तो तराव ना यह मा रूद मगर अब इसका डेटा टाइप नल बन गया इसका डेटा टाइप बन गया नल मींस की इट इज स्टिल जो कि हम कह रहे थे असाइनमेंट से पहले जो हम कह रहे थे कि ये अनडिफाइंड है असाइनमेंट hmm. के बाद उसी चीज को हम नल बोल रहे हैं बाकी चीज नेमिंग कर बोल रहा हूं कि वो पहले होता था ये अब बाद में हम डिक्लेअर मगर छु बराबर तक थी सेम ही है गेटिंग यस सर आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे वी कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो एंड वी मे आल्सो सी दोस फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ओके जी ओके अल्लाह हाफिज़ एनीबडी हैविंग क्वेश्चंस स्टफ दैट इन द डाउट सेक्शन